अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम एस टीचर ऑफ क्लास 8। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3। इस एक्सरसाइज में जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें हमें जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं, जितने भी पार्ट्स हमने करने हैं, वो सारे ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 और 3.2 में कर लिए हैं। ये एक बस समरी होती है पूरे चैप्टर की, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज में जो हम रिपीट करेंगे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी इसमें हमें डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं, दो तीन डेफिनेशंस दी हैं हमने, उन्हें बताना है कि डेफिनेशंस आपने प्रॉपर लिखनी है, वो बुक पे भी अवेलेबल हैं डेफिनेशंस, और मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जो उन्होंने हमें डेफिनेशन उन्होंने हमसे पूछी हुई है, वो है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम फॉर्म बाय टू डिजिट 0 and 1 इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम एंड इट्स बेस इज 2। यानी बाइनरी सिस्टम में देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ दो डिजिट्स ही यूज होते हैं, 0 और 1, क्योंकि बेस 2 होती है। तो बेस मीन हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताती है, बेस 2 है तो मीन्स 2 डिजिट्स यूज होंगे, दैट इज 0 and 1। उसके बाद कि ऑक्टल सिस्टम में हम कितने डिजिट्स यूज करते हैं, ऑक्टल सिस्टम में भी हम 8 डिजिट्स यूज करते हैं, क्योंकि इसकी बेस 8 होती है, बेस 8 मींस उसके नंबर ऑफ डिजिट्स 8 होते हैं, फ्रॉम 0 to 7। उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम आता है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारे पास होता है उसमें हम 10 डिजिट्स यूज़ करते हैं, फ्रॉम 0 to 9, और क्योंकि इसकी बेस 10 होती है, बेस 10 होती है मींस इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स भी हमारे पास 10 होते हैं, फ्रॉम 0 to 9। अब ये पार्ट 4 है, विच इज़ द बिगेस्ट डिजिट यूज्ड इन सिस्टम विद बेस 2। अब बेस 2 में आपको पता है दो ही डिजिट्स हम यूज़ करते हैं, 0 और 1, तो उसमें से जो बिगेस्ट डिजिट है वो क्या है हमारे पास, 1। इसका ये आंसर हो जाएगा। अब ये पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके जितने पार्ट्स हैं ये डेफिनेशंस थी, और हमने डेफिनेशन जो हमने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर किया था उसमें हमने ऑलरेडी कर चुके थे, ये एक दफ़ा मैंने रिपीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी जितने पार्ट्स हैं ये हमने 3.1 में किए हैं, कि हम किसी भी नंबर को, बेस वाले नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो मैं एक रिपीट कर देती हूँ, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप इसके खुद करेंगे। जैसा फर्स्ट पार्ट है इसका 101 बेस 2, अब इसको कैसे कन्वर्ट हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं, कि हमारे पास जितने भी डिजिट्स होते हैं हम उनको बेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। यानी इसके अंदर दिया हुआ है हमें डिजिट 101, अब सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बेस वाले नंबर के साथ 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद हमने राइट साइड से पावर देनी होती है, 0 1 2 बेस वाले नंबर को पावर्स देनी होती है। उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास जो होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, वो आप इजीली कर लेंगे, वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नंबर्स विद बेस 5 एंड ऑक्टल सिस्टम। यानी इस पे हमें जो पार्ट्स गिवन है उनमें हमें एक नंबर्स गिवन है, हमने उन नंबर्स को क्या करना है कि बेस 5 सिस्टम में और ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल सिस्टम जिसकी बेस 8 होती है हमारे पास। अब जो फर्स्ट पार्ट है, मैं इसका फर्स्ट पार्ट करूंगी, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 154, इसको बेस 5 सिस्टम में भी कन्वर्ट करना है और ऑक्टल सिस्टम में भी कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जब हम बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे तो आपने 154 को आपने 5 से डिवाइड करना है, तो आपके पास जो क्वेश्चन में आंसर आएगा वो आपके पास 30 आएगा और रिमाइंडर आपके पास 4, क्योंकि जो रिमाइंडर्स आएंगे आपने उनको भी मैंशन करना है। उसके बाद आप 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, देन आपके पास आंसर 6 आएगा, रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। 6 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा और रिमाइंडर भी आपके पास 1। ये ऑनवर्ड नहीं जा सकता क्योंकि 1 जो है वो 5 से स्मॉल आ गई वैल्यू। अब इसको लिखना कैसे होता है, आपने बेस 5 में आपने पहले एरो इस तरफ आता है देन अपवर्ड जाता है, आपने 1104 और आपने बेस 5 के साथ किया है, 5 में कन्वर्ट किया, तो आपने इधर बेस 5 लगा देनी, ये आपका बेस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ऑक्टल सिस्टम में करना है तो आपने 154 को लिखा, ऑक्टल सिस्टम में बेस 8 होती है, आपने 154 को 8 से डिवाइड किया तो आपके पास जो क्वेश्चन में आंसर आएगा वो 19 आ जाएगा और रिमाइंडर आपके पास 2 रह जाएगा। उसके बाद 19 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, देन क्वेश्चन में आंसर आपके पास 2 आएगा, रिमाइंडर आपके पास 3 रह जाएगा। अब इसको लिखना आपने कैसे होता है, पहले एरो इस तरफ आएगा फिर अपवर्ड जाएगा, 232 और 8 में हमने ऑक्टल सिस्टम से किया, बेस 8 में कन्वर्ट किया तो 8 आप बेस लगा देंगे। इसके ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, वो आप खुद करेंगे, वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी हमें इसमें जो पार्ट्स गिवन है वो बेस 2 वाले गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट का करना है। अब ये हम ऑलरेडी 3.2 में कर चुके हैं कि बेसिस वाले नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं सेम बेसिस वाले नंबर को। सो मैं आपको इन क्वेश्चन का एक एक पार्ट एक दफ़ा रिपीट करवा दूँगी, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं इसके, क्योंकि ये रिव्यू है। इसमें तकरीबन वही क्वेश्चन होते हैं जो एक्सरसाइज में होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मेथड सारा वही होता है। इसका फर्स्ट पार्ट जैसा हमें गिवन है, दो नंबर्स हमें गिवन है बेस टू वाले, हमने इनको ऐड करना है। ऐड आपने जब करना है तो आपने आपको पता है कि बेस टू वाले में सिर्फ हम दो डिजिट्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ 0 and 1। उस टू या टू से बड़े डिजिट्स हम बेस टू में नहीं यूज़ करते। सो हम अगर इधर राइट साइड से हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं, 1 + 1 = 2। अब 2 डिजिट तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 को बेस वाले नंबर से ही डिवाइड करेंगे, यानी 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। उसमें जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको हम नीचे रखेंगे, जो कोशेंट होगा हम उसको कैरी ले जाएंगे। यानी हम 1 + 1 = 2, अब 2 को 2 से ही डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आता है और कोशेंट 1 आता है, देन 0 नीचे लगेगा, कोशेंट आगे कैरी चला जाएगा। अब 1 + 0 + 1 = 2, अगेन 2 आ गया तो हम क्या, सॉरी 0, 1 + 0 + 0 = 1 आ गया। अब हम 1 है तो 0 और 1 डिजिट तो हम यूज़ कर सकते हैं, तो 1 आ गया। उसके बाद 0 + 1 = 1, अगेन ये 1 एज इट इज़, ये 1 भी एज इट इज़। यानी इस तरह आपने ऐड करना है कि जो आप बेस यूज़ कर रहे हैं उस बेस यानी वो वाला नंबर या उससे बड़े नंबर आ जाएं तो आपने क्या करना होता है, उसे बेस वाले नंबर से डिवाइड करना होता है, जो रिमाइंडर होता है उसको आप नीचे रखते हैं और कोशेंट को आप कैरी ले जाते हैं। इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, वो आप खुद कर लीजिएगा, वो ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और ये डायरी होगी आपकी कि आपने जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे नीट नोट डाउन करने, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और ये आपकी डायरी होगी।